वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। एबीपी गंगा की तरफ से आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न अनूठी पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस का समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय के राजपथ पर परेड के दौरान और 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत करने का फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बार भारतीय वायुसेना 75 विमानों और हेलीकॉप्टर के जरिए भव्य फ्लाईपास्ट दिखाएगी। अब ये देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली 2 तस्वीरें दिल्ली की तस्वीर है, राष्ट्रपति भवन और कुतुब मीनार की तस्वीर, जहां पर आपको तिरंगा नजर आएगा। और जो बाकी की 2 तस्वीरें हैं वो लखनऊ की तस्वीर है, यूपी विधानसभा आपको नजर आएगी और चार बाग स्टेशन आपको नजर आएगा। तिरंगे के रंग की लाइटें हर जगह आपको नजर आएंगी। 73वां गणतंत्र दिवस आज देश अपना मना रहा है। तो हर बार की तरह इस बार भी परेड होगी, लेकिन परेड में खास क्या होगा ये भी जान लेते हैं। 75 लड़ाकू विमान राजपथ पर उड़ान भरेंगे। आजादी के गुमनाम गायकों के चित्रों का आज की इस परेड में प्रदर्शन होगा। कोरोना के चलते विदेशी मेहमान इस बार शामिल नहीं होंगे, लेकिन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, ऑटो रिक्शा चालकों को भी इस परेड में आमंत्रण दिया गया है। परेड के रूट को 5 किलोमीटर कम किया गया है। नए रंग रूप में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की आज की ये परेड नजर आएगी। परेड की टाइमलाइन क्या होगी वो टाइमलाइन भी समझ लीजिए। टाइमलाइन के मुताबिक 10:05 पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच जाएंगे। 10:15 पर प्रधानमंत्री राजपथ पहुंचेंगे। 10:21 पर फर्स्ट लेडी राजपथ पहुंचेंगी। उसके बाद 10:23 पर राष्ट्रपति राजपथ पहुंच जाएंगे। 10:26 पर यानी कि उससे करीब 3 मिनट बाद ही ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। 10:28 पर शहीद बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद 10:30 पर दर्शकों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। उसके बाद 11:44 पर परेड की समाप्ति होगी। 11:45 पर फ्लाईपास्ट की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। परेड की सलामी दी जाएगी और जो पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, राष्ट्रपति पहुंचेंगे, वो सब हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट आपको बता दें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया है। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। आज कई सारी झांकियां होंगी, परेड की सलामी ली जाएगी, थल सेना, वायु सेना के प्रमुख आज नजर आएंगे। 73वें गणतंत्र दिवस में खास तौर पर आकर्षण का केंद्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी रहने वाली है। और उत्तर प्रदेश की और झांकियों की बात करें तो सबसे खास झांकी जो है काशी विश्वनाथ धाम के मॉडल की रहने वाली है। इसकी एक झलक यहां नजर आएगी। एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का प्रदर्शन भी यहां पर होगा। गोरखपुर के टेराकोटा सिरेमिक शिल्प का प्रदर्शन भी आज किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड की झांकी की भी अगर बात कर ले तो उसमें भी कुछ खास बातें रहने वाली हैं। उत्तराखंड की झांकी में अगर देखें तो 4 धाम ऑल वेदर रोड की झलक आज नजर आएगी। सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब के दर्शन आज की झांकी में होंगे। ऐतिहासिक डोबरा चाटी पुल का नजारा भी देखने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध टिहरी डैम की एक झलक नजर आएगी।
बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन भी आज होंगे। तो काफी कुछ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की झांकियों में क्या रहेगा ये हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में जहां काशी विश्वनाथ की झलक एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगी, वहीं बद्री विशाल मंदिर के दर्शन उत्तराखंड की खास झांकियों में रहने वाले हैं। दो संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहम्मद मुइन संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले आप ही के पास आते हैं, किस तरीके की तैयारी आज गणतंत्र दिवस को लेकर मनाई जा रही है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, बाकी के संवाददाता से भी तारुफ करा देती हूँ। नितेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये सभी संवाददाता अलग अलग जगह पर किस तरीके की तैयारी है हमें बताएंगे। सबसे पहले अविनाश, आप ही के पास आऊंगी, दिल्ली में क्या तैयारी? जो अगर बात करें तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हाई अलर्ट पर रखी गई है, आज दिल्ली के कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो इंडिया गेट गोल सर्किट से लेकर के रफ़ी मार्ग, जनपद मार्ग, अकबर रोड, ये तमाम सारे ऐसे मार्ग हैं जिनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से परेड होनी है 26 जनवरी की, राजपथ के पास जितने भी जाने वाले रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है और लुटियन दिल्ली के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। तमाम सारी सीमाओं पर लगातार सुरक्षा की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है उनसे बकायदा पूछताछ की जा रही है कि दिल्ली में वो कहाँ जाएंगे, वीडियोग्राफी की जा रही है जो वाहन प्रवेश कर रहे हैं अंदर। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मैं बॉर्डर पे ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे किस तरीके से जो तमाम पीछे आप गाड़ियाँ देख सकती हैं कि खड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है, एक एक गाड़ी को बकायदा सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए अधिकारी हैं वो बकायदा चेकिंग कर रहे हैं और एक एक गाड़ी में बकायदा तमाम सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही उनको दिल्ली की ओर रवाना कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो दिल्ली में कहाँ जाएंगे और किस लिए जाएंगे। तो ये तमाम सारे जो सुरक्षा कारणों से यहाँ पर तमाम सारी जो चेकिंग है वो चल रही है, चूँकि दिल्ली हाई अलर्ट पे है इस वक्त और तमाम से जो आतंकी संगठन है उनकी नज़र में है दिल्ली, तो इसीलिए तमाम से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ी की गई है ताकि जो गणतंत्र दिवस है इस पर पूरी तरीके से जो है शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी तरीके से कोई आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। तो दिल्ली में पूरी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस की गई है और इसके अलावा तमाम सारे मार्गों को बंद किया गया है। जो मार्ग इंडिया गेट गोल सर्किल के पास जाते हैं उन तमाम सारे मार्गों को बंद कर दिया गया है। मंडी हाउस पर भी तमाम सारे लोगों को जो है जाने की मनाही कर दी गई है। इसके अलावा जो तमाम सारे अन्य रोड़े हैं उनको बंद कर दिया गया है एहतियात के कारण, ताकि परेड की गई है, सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। मोहम्मद मुइन भी हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से, उनसे भी जान लेते हैं प्रयागराज में गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी उत्साह के साथ मनाई जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले में, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में संत महात्मा यहां मौजूद हैं, हाथ में तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, भारत माता के नाम के जयकारे लगा रहे हैं, गीत संगीत का भी इंतजाम किया गया है और आप देख सकते हैं कि एक साथ राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वजा दोनों को एक साथ फहराए जाने की तैयारी की जा रही है, वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम इन जो संत महात्मा हैं उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको देशभक्ति के गीत और भजन भी सुनवाते हैं। महाराज जी, राष्ट्र धर्म धर्म ध्वजा और देश का झंडा दोनों एक साथ फहराया जा रहा है। देखिए, धर्म और राजनीति, राजनीति धर्म से संरक्षित होती है, इसलिए धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वजा दोनों एक साथ फहराया जा रहा है और भारत कामना करते हैं परमात्मा से कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधते हुए। बिल्कुल महाराज जी, तो आपसे भी बात करेंगे, अन्य लोगों से भी बात करेंगे, जरा कुछ देशभक्ति के गीत और भजन सुन लेते हैं। देखिए, तमाम महिलाएं जो है ढोलक मजीरा लिए हुए तैयारी किए हुए हैं, आप क्या सुना रहे हैं? राष्ट्रीय गीत सुनाएंगे। चरणों में भारत के नमन कीजिए साथी, नमन कीजिए, चरणों में भारत के नमन कीजिए साथी, नमन कीजिए, पावन ये जीवन अपना कर लीजिए। महिलाओं की टोली ये भी कोई भजन सुनाना चाहती है, क्या सुना रही हैं आप लोग? बिल्कुल सुनाइए। जीने के लिए मरने के लिए हरि नाम से बढ़े कर कुछ भी नहीं, जीने के लिए मरने के लिए प्रभु नाम से बढ़े कर कुछ भी नहीं, चलने के लिए तरने के लिए चलने के लिए तरने के लिए गुरु ज्ञान से बढ़े कर कुछ भी, ही गुरु ज्ञान से बढ़े कर कुछ भी।
बिल्कुल मोहम्मद मोइन, देखिए तो हरी को भी याद किया जा रहा है और देश को भी याद किया जा रहा है। देशभक्ति हर एक शख्स में वहां नजर आ रही है। लौटूंगी मोहम्मद मोइन आपके पास, और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी की तो खास झलक आज नजर आएगी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक वहां नजर आएगी, क्या तस्वीरें दिखाएंगे वहां से? निश्चित तौर पे गुंजन, जब ये खास मौका आ ही गया है तो काशी जो कि अपनी भावनाओं को प्रकट करती है गीतों के माध्यम से, आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस के दिन गीत गाए जा रहे हैं। और इस बार का मौका इसलिए खास है कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है, तो आज ये झांकी पूरा देश देखेगा। तो अमलेश शुक्ला के गीत क्या कहते हैं, जो बाबा विश्वनाथ की झांकी दिखाई जा रही है, उस झांकी को लेकर कौन से गीत है अमलेश जी और क्या है? अरे झूमेला धरती झूमेला अंबर हो, झूमेला धरती झूमेला अंबर, झूमेला सब कर मनवाना मनवाना। करा है गणतंत्र दिवस के 73वां साल के बाद शुभ दिनवा, गणतंत्र दिवस के 73वां साल के बाद शुभ दिनवा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और विश्वनाथ धाम का भी दर्शन झांकी में दिख रहा, राजपथ कहना है राजपथ पे विश्वनाथ धाम के झांकी दिखेला, राजपथ पे विश्वनाथ धाम के झांकी दिखेला। जय भारत जय हिंद के नारा चारों ओरी गूंजेला, जय भारत जय हिंद के नारा चारों ओरी गूंजेला। तभी जयी विश्व तिरंगा प्यारा, बिल्कुल विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आज पूरा देश भर कह रहा है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में की जो झलक नजर आएगी उसको लेकर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहां पर दी जा रही है, वही रंग वही जोश नजर आ रहा है। और चलिए आगे भी रुक कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में भी परेड को सलामी दी जाएगी, वहां पर भी कुछ झलकियां नजर आएंगी। शैलेश, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस समय हम विधानसभा के सामने मौजूद हैं और यहीं पर सुबह लगभग 10 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो झंडारोहण करेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें दिखाते हैं सीधे, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय की किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। एक तो प्रदेश की राजधानी है, सामने विधानसभा है, तमाम यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री तमाम मंत्री यहाँ पर रहेंगे, इस वजह से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो आज की जो परेड यहाँ से निकलने वाली है, उस परेड के इस बार के जो कमांडर हैं वो हैं कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धाना मनौली, वो यहाँ पर आज सबसे आगे परेड चलेंगे। और अगर बात करते हैं जो पूरा परेड चलेगा उसमें, देखिए जो भारतीय सेना की ताकत है टैंक T-90 यानी भीष्म, वो चलेंगे आगे सबसे, और उसके पीछे चलेंगे जो सारथ टैंक है, इसके अलावा लाइट फील्ड गन और तमाम जो सेना के वो हथियार जिनसे हमारा देश, जिनकी मदद से हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, वो यहाँ पर आज देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो बात हो मीडियम मशीन गन की या फिर बाकी, इसके अलावा जो पैदल टुकड़ियां यहां पर आज चलेंगी। अगर हम बात करें तो देखिए बाल विद्या मंदिर यहां पर है, वहां से ये परेड शुरू होगी और इसका जो गंतव्य स्थल होगा वो होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम, उसी के बीच में ये विधानसभा आएगी। लगभग 10 बजे परेड यहां पर पहुंच जाएगी और जो पैदल टुकड़ियां होंगी उनमें देखिए सबसे पहले जो सिख रेजिमेंटल सेंटर बैंड है वो नज़र आएगा, इसके बाद कुमायूं रेजिमेंट की, पुरुषों की जो टुकड़ी है मिलिट्री बैंड गोरखा राइफल्स का, महिलाओं की भी देखिए उसमें टुकड़ियां शामिल हैं। तो निश्चित रूप से एक अलग ही यहां पर आकर्षक मनोहारी दृश्य देखने को आज मिलने वाला है। स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे, उनकी भी टुकड़ियां यहां पर आज निकलेंगी उस झांकी के दौरान, प्रस्तुतियां हैं उनमें अगर बात करें निकलेंगी और परेड को सलामी दी जाएगी, वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रतीश का भी रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, कानपुर में क्या तस्वीरें आज आप दिखा पाएंगे वहां से?
बिल्कुल कानपुर की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आ रही तस्वीरों जैसी है। और यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीर है, कोई ऑफिशियल चीजें नहीं है, लेकिन ये जो आजादी के मतवाले हैं ये निकले हैं प्रभात फेरी लेकर के और देशभक्ति के गीत गा रहे हैं और ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को देश प्रेम के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे ये दिन आता है, जो राष्ट्रीय पर्व है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, वो कैसे हमने पाया है। और देश का गणतंत्र दिवस है आज, 73वीं वर्षगांठ है। ये देखिए, आज आपको गीत सुनाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम वंदे मातरम। ये देश है वीर जवानों का, ये जोड़ी जाति वीरों का, देश के यारों, देश के यारों का कहना, क्या कहना। देखिए, ये आजादी के मतवाले हैं और देश में देश की स्वतंत्रता के मायने समझते हैं। आजादी का 75वां वर्षगांठ है। और देखिए, वंदे आजादी का महत्व क्या होता है ये सब जानते हैं। प्रभात फेरी लेकर के निकले हैं, ढोलक है, मंजीरा है और हाथ में तिरंगा है और तिरंगे के महत्व को समझते हैं, इसीलिए ये सड़क पर निकले हैं। काफी सर्द सुबह है, कोहरा है, बावजूद इसके ये अपने देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, देश प्रेम को दिखा रहे हैं। हर जगह एक ही तस्वीर नजर आ रही है, भारत माता की जय के जयकारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर तरफ से लगभग एक ही जैसी तस्वीरें हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, पंकज आप भी हमारे साथ बने रहिए, उत्तराखंड की क्या तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वंदे मातरम, सुजलाम सुजलाम, मलय जशीतलाम, शश श्यामलाम मातरम, आज पूरा देश यही कह रहा है। जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड में क्या तस्वीरें हैं, पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज क्या दिखाएंगे देहरादून से तस्वीरें। गुंजन, देखिए मैं इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर साल यहीं पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की है, जहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, अंतिम रूप तैयारी को दिया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर 10:30 बजे पहुँचेंगे और 10:30 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और तमाम जो पुलिसकर्मी जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं उत्तराखंड के लिए उनको भी सम्मानित किएंगे। हर साल क्योंकि इस बार कोविड की वजह से गणतंत्र दिवस को बहुत कम संख्या में मनाया जा रहा है, जनरल लोगों को आने की यहाँ परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ 500 कुर्सियों के बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवारजन हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरी जो एक विभागीय स्तर पर झांकियाँ पहले निकाली जाती थी, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा विभागों की झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जाती थी और ये बताया जाता था कि इस विभाग ने इस स्तर से बेहतर काम किया है, तो वो झांकियाँ इस बार नहीं निकाली जा रही हैं क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं और उत्तराखंड में आचार संहिता भी लागू है, उस लिहाज से ये सब व्यवस्थाएँ बंद कर दी गई हैं और साथ साथ ही कोविड की वजह से भी बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ पर बुलाने की परमिशन दी गई है, क्योंकि ये जो परेड ग्राउंड है ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए स्मार्ट सिटी के तौर पर यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से बनाया गया है। उसी आधार पर आप देख रहे हैं कि मंच यहाँ पर बनाया गया है, बहुत सीमित संख्या में लोगों को इन्विटेशन यहाँ दिए गए हैं, लेकिन 10:30 बजे के करीब जब राज्यपाल आएंगे तो ये देखा जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आएंगे, सुरक्षा के हिसाब से इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अविनाश आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद मोइन, नितिश पांडे, शैलेश अरोड़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ रतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।